इस तस्वीर की राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। दरअसल कल्की धाम के पीठाधीश्वर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक फोटो सामने आया है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। फोटो को लेकर कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। फोटो में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और आचार्य प्रमोद कृष्णम साथ में दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। ओपी राजभर यहां कल्की महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की एक फोटो से सूबे की सियासत गर्मा गई है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम और ओपी राजभर की एक साथ फोटो सामने आने से चर्चाओं का बाजार गर्म है। आचार्य प्रमोद कृष्णम से मुलाकात को लेकर ओपी राजभर ने कहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम से उनकी दिल्ली में मुलाकात हुई थी, जहां उन्होंने कल्की महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। यहां आकर मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूं, क्योंकि राजनीतिक मुलाकात होती रहती थी, लेकिन यहां आने के बाद मुझे गर्व महसूस हुआ कि मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अब सवाल किया गया तो ओपी राजभर ने हंसकर जवाब देते हुए कहा कि इस बारे में आचार्य जी से ही पूछ लीजिए। उन्होंने कहा, मैं यहां पर राजनीतिक रूप से महोत्सव में शामिल होने के लिए नहीं आया हूं। सरकार में उनके कब तक मंत्री बनने का सवाल पूछा गया तो बताया कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो राजभर जरूर मंत्री बनेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम वैसे तो कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन अक्सर वे पार्टी विरोधी बयान के चलते सुर्खियों में रहते हैं। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को निशाना बनाते हुए अखिलेश यादव का समर्थन किया था। उन्होंने अजय राय के उस बयान की निंदा की थी, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।